विद्या मुर्मू जो है सेतु मुर्मू के खानदान या वंशज के सबसे वयोवृद्ध महिला है। इनके साथ हमारा संबंध 30 जून 2000 से है। हम वो बताना चाहेंगे कि सेतु मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ जो संथाल विद्रोह संथाल क्रांति हुई थी, उस क्रांति को सफल बनाने से संथाल परगना बना और संथाल परगना टेरेंसी गांव में बना। और ये घटना 22 दिसंबर 1855 को आयोजित हुआ, 7 साल पहले 1855 में। अंग्रेजों ने महसूस किया कि आदिवासी तीर क्यों चलाते हैं, हम तो भारत को लूटने आए हैं। और सोना चांदी हीरा जो है राजा महाराजाओं के पास है, आदिवासी के पास नहीं है। लेकिन आदिवासी क्यों तीर मारते, तो उनको पता लगा आदिवासी को अपने जंगल जमीन से प्यार है, अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से, अपने स्वराज से प्यार है। तब हमने महसूस किया कि इन आदिवासियों को एक अलग देश दे दो और सदा पुराना वाक्य में वो जिला एक देश था। अंग्रेजों ने काम बना दिया कि आपकी जमीन को कोई नहीं ले सकता, और वही काम का नाम है सरदार भरना टेनेंसी कानून 1855। और वही देश वही राज्य छह जिले हैं सरदार भरना। तो उस सरदार भरना की विजय के बाद मैं जब एमपी बना तो मैंने संकल्प किया कि झारखंड प्रदेश के निर्माण में कुछ योगदान करेंगे। और संथाली भाषा की सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है भाषा समूह की, इसको हम मान्यता दिलाएंगे। और 30 जून 1855 से संथाल विद्रोह शुरू हुआ भोगनाडी गांव से, जहाँ से ये लोग आए हैं। और पूरा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने माना आदिवासी को कुछ विशेष चाहिए और हमने दिया। तो उसी संथाल परगना साहिबगंज जिला भोगनाडी गांव में हमने 30 जून 2016 को हमारे नेतृत्व में संथाली भाषा मोर्चा बना के करीब 5000 लोग वहां गए और भोगनाडी की जमीन को मुट्ठी में लेकर शपथ लिया था कि हे वीर शहीदों, तुमने संथाल परगना को विजय हासिल किया और तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारी खून से जो सनी हुई मिट्टी है, हम उस मिट्टी को हाथ में लेकर मुट्ठी में लेकर शपथ लेना चाहते हैं कि संथाली भाषा को भी हम आपकी अनुसूची में शामिल कर सकें और विजय हासिल कर सकें। और हम लोगों ने किया और वो मिट्टी यही विद्या मुर्मू ने हम लोगों को हाथ में दिया। तो वही विद्या मुर्मू 22 वर्षों में भारत का भाग हम लोगों के बीच में है। लेकिन ये सिद्धू मुर्मू के खानदान की सबसे बड़ी महिला है और हम लोगों ने इनको मरने तक 2000 रुपया आदिवासी सहयोग अभियान के साथ तरफ से देने का वचन दिया है और हम दे रहे हैं। अपनी चक्र मुर्मू, ये जो रामेश्वर मुर्मू की हत्या की गई संदिग्ध हत्या 5 जून 2020 में, और इसमें नेट व्यापार में एक मुसलमान का नाम लिखा और मुख्यमंत्री पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ हम लोगों ने दबाव बनाया, तो सीबीआई जांच की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था लेकिन वोट बैंक के डर से सीबीआई जांच नहीं की गई। वो चक्र मुर्मू, इसको हम लोगों ने उसके पति की हत्या के बाद 1 साल तक हर महीना 10,000 रुपया दिया। 1 साल तक हम लोग उसकी मां बहन मुर्मू उसको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं।
वो आज ये वीर शहीद सिद्धू मोरू के नाम का सम्मेलन आए हैं, यही हमारे मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, यही सब कुछ है। तो हम कोशिश करूंगा दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंचाने के लिए आदिवासी संगठन अभियान। आज हम आशा भाषा जीत कर महा अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से हमारे प्रतिनिधि आए हैं। ये हमारे विरासत को, इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक ऐतिहासिक गौरवान्वित होने का महान क्षण है और आज हम लोग इस मंच से शपथ लेने वाले हैं और एक संताल विद्रोह करने के लिए और एक आदिवासी विद्रोह करने के लिए। किनके खिलाफ हम विद्रोह करेंगे आप बताएंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि इतने बड़े विरासत और मार्क्स जो दुनिया के बड़े दार्शनिक है, विद्वान है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली जन क्रांति संताल विद्रोह है। कोई भी जाति समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ इतने सुनियोजित ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था जो संताल विद्रोह के रूप में हुई। तो वो संताल विद्रोह को आज लोग भूल रहे हैं, सिद्धू मुर्मू और उसके वंशज को भूल रहे हैं, कानून मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, कुलो मुर्मू, झाम मुर्मू, संताल परगना को लोग आज लूट रहे हैं, कूट रहे हैं। तो इतनी बड़ी विश्व की विरासत इतिहास को आज यहाँ जीवित करने का एक छोटा प्रयास होता है। उसी प्रकार भाषा दुनिया में अभी 7,000 भाषाएं हैं, जिसमें से 40% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं और सभी आदिवासी भाषाओं को खत्म होना ही है, क्योंकि आदिवासी भाषाओं को कोई भाषा नहीं मानता। लेकिन हमारे नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा के अगुवाई में, तत्वाधान में और तमाम लोगों के सहयोग से ये पहली आदिवासी भाषा है जो भारत नहीं दुनिया में शायद राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर सकती है। तो ये संताली भाषा भारत में 4 भाषा समूह में सबसे बड़ी औसती भाषा का सबसे बड़ा भाषा है, इसको मान्यता मिली। और 22 दिसंबर 2003 साल में लोकसभा में पारित हुआ, अर्थात दुनिया के आदिवासियों की भाषा को सम्मान दी गई। लेकिन इस भाषा को इस झारखंड राज्य में कोई सम्मान नहीं है, न संताल परगना को सम्मान है, न सिद्धू मुर्मू को सम्मान है और न संताली भाषा को सम्मान है। तो आज ये सभा का मूल उद्देश्य है कि संताल परगना, संताल विद्रोह, सिद्धू मुर्मू और संताली भाषा को फिर से पुनर्जीवित करना है। लेकिन यहाँ संताल का एक तात्पर्य ये है कि बाकी आदिवासी भाषाओं को भी जिंदा करना है, चाहे वो मुंडा भाषा हो, कुरुक भाषा हो, खड़िया भाषा हो, हो भाषा हो, भूमि भाषा हो। उसी प्रकार केवल सिद्धू मुर्मू नहीं, बिरसा मुंडा, हिरंगा खड़िया, कोटो हो और ये हमारे भूमि पुत्रों के गंगा नारायण सिंह भूमि, तो सारे आदिवासी शहीद हैं, सारी जो आदिवासी भाषाएं हैं, यदि ये झारखंड में मिट जाएंगे तो हम आदिवासी शहीद नहीं बचेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि भारत देश में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, एसपीएम हो, कोई बड़ी पार्टी आदिवासी के दिल की धड़कन नहीं समझता है। और इसलिए हमें सावधान होना होगा, इनके खिलाफ भी दबाव बनाना होगा,
खिलाफ करने का मतलब गर्मा झगड़ा गाली देना है, आप इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी दबाव बहुत है और इसी का नतीजा है महामारी का सोलह दिन का यहाँ भी लगाया वहां भी लगाया सब जगह लगाया। आप आदिवासियों को दबाव बनाना होगा तो हमारे बीच महामारी राष्ट्रपति आई है। 75 वर्षों के बाद एक आदिवासी महिला सरकार महिला राष्ट्रपति बनी है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया क्योंकि अभी देश का प्रधानमंत्री वही है और उसने ही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, यह हम मानते हैं। और उसने ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस शुरू किया है और अभी बहुत सारी बातें हो रही है। तो हम आदिवासियों को लेकिन ये बड़ी बड़ी पार्टियां अब तक आपको ध्यान नहीं दिया था, हमको न्याय अधिकार नहीं दिया, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं पहली चिंता यहाँ से व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी हमारी चिंता है कि भारत देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं और ये सारे लोग चाहे जुडिशियरी में हो या एग्जीक्यूटिव में हो या मीडिया में हो, ये भी आदिवासी की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आपको आदिवासी की चिंता करनी होगी, नहीं तो दुनिया में आप नहीं बचोगे। और पूरे दुनिया में अभी चिंता है कि प्रकृति और पर्यावरण खत्म हो जाएगी तो आदमी खत्म हो जाएगा। कोरोना आ गया तो क्या हालत हो गई, अभी पता लग रहा है चीन में वैसे ही कोरोना आ गई जैसे कुछ साल पहले हमारे देश में थी और वो उधर में आने वाला। तो प्रकृति और पर्यावरण यदि नहीं बचेगा कोई नहीं बचने वाला है। और प्रकृति और पर्यावरण को कौन बचाएगा? आदिवासी बचा सकता है, आदिवासी ही प्रकृति पर्यावरण के साथ रहा है, आगे भी रहना चाहता है। और इसीलिए हमारी मांग है सरना धर्म कोड की मान्यता दो। सरना धर्म कोड बचेगा तो प्रकृति और पर्यावरण बचेगा। और यदि 2023 तक भारत सरकार झारखंड बंगाल बिहार उड़ीसा आसाम में रेल रोड चक्र जाम करेंगे, हम इस बार राष्ट्रीय स्तर पर भी रेल रोड चक्र जाम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि भारत देश के लगभग सभी आदिवासी हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, वो प्रकृति पूजक है और इसलिए उनको इस समय एक धर्म की मान्यता जरूरी है।